अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सज्जाद जानी और आज फिर माना मॉल लाहौर में लिंक रोड अपना केड़ा मॉडल टाउन लिंक रोड के सामने मैं खड़ा हूँ माना मॉल के अंदर जाने के लिए। आपको साथ लेने आया हूँ, आजो मेरे नाल छाड़ दो काम शाम को, दो मिनट हंस खेल लिए, शुगर मिला लिए, बहुत दिमाग खराब हो मेरा। मैंने पंजाबी सॉन्ग लिखा हुआ है, कंजूस मियां और बीमार बीवी। कंजूस मियां और मियां कंजूस है, बीवी बीमार है, बीमार ते बंदा कंजूस है। वो कह रही मैंने दवाई लिया के दे, वो कंजूस है, वो कंजूस है, कह रहा मैं टेस्ट नहीं कराने, दवाई नहीं लिया के देनी, सिर्फ पैनाडोल गोलियां खाओ, कहंदी मैं पैनाडोल नहीं खानी। इत्ते तुसीं गाना लिखिया, ऐ फड़ो बिस्मिल्ला करो, सुनाओ। मियां बीवी दा है, ते बीवी शुरू कर रही है। ओके, पहले बीवी, बीवी कह रही ओके, तू ले आद मैनू कैप्सूल खंग दे खंग दे खंग दे, तेनू कहंदी आ मैं रोज खंग खंग के खंग के। तू ले आद मैनू कैप्सूल खंग दे, तेनू कहंदी आ मैं रोज खंग खंग के, मन जावे तू मेरे टेस्ट करा दे, मन जावे तू मैनू दवाई ले आ दे, रिक्वेस्टा पाइया वे पैनाडोल गोलियां वे निखाणी आ मैं पैनाडोल गोलियां वे रिक्वेस्टा पाइया वे पैनाडोल गोलियां वे निखाणी आ मैं पैनाडोल गोलियां वे। मियां की कह रहे हैं, इन्ने नखरे ना कर बेबी, खा ले पैना डॉल तू गोली, खा पका के खिच खिच खिचड़ी, रोटी तेरे लई नहीं पकनी। ओ मैनू चढ़िया बुखार यार, मैं चक्करां दे नाल नाल अज डिगदी फिरां, मैं सारा दिन डिगदी फिरां, ओ होया खांसी दे नाल नाल अज मेरा बुरा हाल हाल, अज डिगदी फिरां, मैं सारा दिन डिगदी फिरां। मन जावे तू मेरे एक्सरे करा दे, मन जावे तू अल्ट्रासाउंड करा दे, रिक्वेस्टा पाइया वे हाँ पैनाडोल गोलियां वे निखाणिया मैं पैनाडोल गोलियां वे। यार बहुत अच्छे यार, गुड। तू सिंगल है? सिंगल ते कितने उत्थे जा आ रहे तो उनका मैं डबल कर दूंगा। ₹800 अच्छा तू इंज करके बोल दा, तू सिंगर आ? हाँ, गाना गुना कोई? हाँ, सिखिया बकायदा? बकायदा सिखिया गाना? हाँ जी, बकायदा। किन्नी देर हो गई सिखिया? हो गए सर तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। माल कौन से केड़े केड़े सुर लगदे? इना नहीं पता ले। बैरवी च केड़े लगदे? हले नहीं इना पता। 2 साल की सिखदा रहे? ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ 2 ਸਾਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਆ, ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਦੀਆਂ ਅੱਕਿਆ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਥੱਕਿਆ ਮਿਲਦਾ, ਬਸ ਸਿੱਖਣ ਸੁੱਖਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਲੈ ਆ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਆ, ਸਿਗਰਟ ਲੈ ਆ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਚੱਲ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋ ਰਾਹਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਾ ਚੱਲ। मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। वाह वाह। किसी से कहूँ के नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है, कहने को साथ एक दुनिया चलती है। बेटा सुर थले सी, बात है के कहने को इच्छे आ, तू कह कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, बस यार
साथ है। वाह वाह। तेरी आस साथ है, तेरी आस साथ है। ते पहले क्यों गलत कहता सी? हाँ, तेरी आस। क्लैप क्लैप। पहले क्यों आया सी? पहले सुर तो क्यों लगे सा? पहले बात प्रेशर जरा हो जाना। नहीं नहीं वो बचा है सुर चा, लेकिन जरा प्रेशर चा आ गया सी। नादरी मैं कहना इधर इन सिर तो पैरों तक दिखाओ। ए की वजह है कि मतलब एडा अच्छा गाने वाला टैलेंट उही फिर मैं गल करा कि कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं साढ़े। वो देखो ना बेचारे ने उस्ताद फड़ लिया, वो अगो सिखावे ना सिखावे कोई चक्कर नहीं। कोई साडा ऐसा गौरमेंट नूं चाहिए कोई ऐसी जगह जिते बगैर पैसों तो यह लोग जान और इन्हों इन का टैलेंट लोग सुन। चाहना ना तू इस तरह? तू चाहना ना कि तेन कोई प्रमोट करे बगैर पैसों तो? तेन मैं कह लाख रुपए दे तेरा गाना बना दा तू कभी भी नहीं बनवा सकता। तेन मैं कह 2 लाख दे तेरी वीडियो बनावा तू नहीं बनवा सकता है ना। तो इदा ही ना बेचारे ने जाया हो जाना लियादा। जिन्हें को पैसे नहीं है ना, जिन्हें को पैसे नहीं है उन्होंने भी उन्हों का भी हक आ। क्यों जी? बिल्कुल जी है ना। तेरा नाम की है? मोहसन अली। मोहसन अली, चल अल्लाह मियां तेन तरक्की दे। अच्छा बहुता उस्तादा ने ना उन्हें रखना बिलीव, आप मेहनत करनी है। अच्छे अच्छे सिंगर सुन, उन्होंने कॉपी कर, तेन आप ही आ जाएगा गाना। समझ आई? यार एक मिनट आ जाओ यार, गल कर यार इधर भाई रहे हो तुम भी सिंगर जे? जी सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। की होर की करते इस अलावा? मैं सर कारोबार कर। कारोबार की? लेडीज जर्सियां लगा हुआ। लेडीज जर्सियां ओ लंडे वाली? हां जी। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। इंपोर्टेड ही नहीं बस। हां इंपोर्टेड ही हुंदियां ने। ना दा लंडा है? नहीं नहीं ना दा नहीं, लंडा पाया ना बड़ी बड़ी साडी क्रीम। तुसी लंडे ते लिया के तली सर? बिल्कुल मैं देखो ना है ना, तुसी लंडा कोई ऐसी गल नहीं है कि तुसी लंडा बेचदे। बड़ी बड़ी अमीर लोगों के बच्चे लंडा पाउंदे ने, तुहानू पता है। की हुण तुसी करन आए जे? ते गाना कोई सुनाउणा तुसी? आ लो सुनाओ जी। आ माया किते कठियां बइए, वाह वाह वाह, ते विछोड़िया नू अगलाए, वाह मंजूर मियां गम दिला विच वसदे, ते किते विछड़िया ना मर जाए। वाह। मेरी जिंदगी तेरा प्यार, मेरी जिंदगी तेरा प्यार, की मिसाल तेरी होनी तू ख्याल तो भी सोनी, सोनी तेरा प्यार, मेरी जिंदगी तेरा प्यार, सुपने अधूरे रहंदे दिल दे, दुनिया ते असी जे न मिलदे, दिल नू चैन किते ना आवे, दुनिया दीवानी कहंदी मैनू सुन लाया रज मेरी, रवांगी हमेशा तेरी अखियां तो ओले होके, दे मैं ना मार तेरा प्यार, मेरी जिंदगी तेरा प्यार, सारे गा सा मेरी जिंदगी तेरा प्यार। अच्छा तू मैं हम सही सही गल दस, शर्माना नहीं की तेरी फैमिली केड़ी है? मीर आलम जी सर। ओके मैं ना एक महास ते निकलिया, तेन पता जिहड़े लोगों के दिमाग च कॉन्सैप्ट है ना मरासी आ फलाना वा, मैं इनू रद्द करने। मरास मरासी किनू कहिंदे? चल तू दस मरासी की डेफिनेशन की है बेसिकली। मिरास मैं नादरी बतावा, मिरासी लफ्ज निकलिया मिरास तो। तुहानू मिरास तो की मिलिया? तुहानू पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी अगर आबादी है ना, तो तकरीबन सारे ही मरासी ने, क्योंकि सारे पिछों कुछ ना कुछ मिले प्यो माँ प्यो वालों। मिरासी का मतलब यह है कि आपको मिरास में क्या मिला है? हमने आपको अगर मिरास में गाना मिला है तो आप मिरासी हैं। अगर मुझे
मुझे कोई जायदाद मिली है, कोई बाप की तरफ से कपड़े का काम मिला है जो मेरा बाप करता था, आज मैं कर रहा हूं, तो मैं भी मिरासी हूं। मिरास इसे कहते हैं। अब आप हिसाब लगाएं कि आप में से कौन कौन मिरासी है। सारे ही मिरासी। सारे मिरासी। मैं मिरासी, मेरा प्यो भी है। इसलिए भाई इसको डिग्रेड ना करें, मतलब ये बड़ी बड़ी अच्छी, जिस तरह बाकी कौमें हैं इसी तरह ये कौम है। कि आप देखें इसकी हालत, देखें क्या इसका नहीं हक बनता कि जो अल्लाह ने इसको टैलेंट दिया, आवाज इतनी अच्छी दी है, उसका इस दुनिया में इसे कोई बेनिफिट मिले, वो हक नहीं बनता इसका। आप गा के दिखाएं, ऐसा कोई नहीं गा सकते। तो अगर इसमें कुछ डिफरेंट है अल्लाह ने दिया, तो जिसको सारे एक मिनट, तो जिसके पास ये टैलेंट नहीं है उन्हें नवी जूती पाई है, जिसको एड्डा अच्छा टैलेंट है उन्हें पुरानी पाई। क्यों? ये साड़ी स्टेट, साड़ी गवर्नमेंट का हक बनता है कि उसे शहरी ने, इतने पैदा हुए ने, इतने रोल रहे ने, लंडे दी जर्सियां बेच रहे, एड्डा अच्छा टैलेंट लैके, और ये बहुत अच्छा गाँव है, क्योंकि यह जरा होंगे ना, ये बहुत अच्छा गाँव होगा। उसकी वजह यह है कि इतने थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता बंदा माइक के अगे, लोगों के अगे, लेकिन यह बहुत अच्छा गाँव होगा, ये भी अच्छा गाँव होगा। तो लिहाजा मैं तो सर इन्ना ही कर सकता स, ठीक है ना, तो कम अज कम करोड़ों लोग वेखे तेरा गाना जी। लोरा रक्षे नहीं हर बंदा धियां बाजियां वाला हुंदा वा। लो जी बाबे चाचा जी, तो दो बोल, मैं सिर्फ दो बोल सुनाना। जी जी जरूर जरूर जी, क्या भी मिला जरूर जरूर जी सर। सजना मेरा तेरा चक चक हरी, वाह 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 वाह, दिल दे मैं बूवे खोले नैना दियां बारियां, चढ़ी दी जवानी दे मैं कहने लगी गई वे, जिंदगी ची पहली वारी तेरे उते रही वे, रब कोलो मंगलियां निदरा उदारी, वाह 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 वाह, दिल दे मैं बूवे खोले नैना दियां बारी। ओ वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात, अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे, अल्लाह पाक खुश रखे। लो जी थोड़ा सा मैंने भी गाना, तुसी गाना सुनाओगे? माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। कैसे नहीं नहीं, एनु इजी रखो तुसी, कैसे इजी इत्थे गा लो, तुसी सानू सुनाना, तुसी तुसी एन थोड़ी दोबारा टक्कर मार दे। चलो नॉर्मल इस तरह, तुम छोड़ो, तुम गाना गाओ, इधर उधर वेख के गाना गाओ। हाँ जी, कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए तू जाने ना, तू जाने ना, मिलके भी हम ना मिले तुमसे, ना जाने क्यों है फासले तुमसे, ना जाने क्यों। बाकी फिर मैनू मैसेज कर देना तुसी, बहुत अच्छी बात मंगया करो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा तुहानू एक की, तुहानू एक की, तुहानू की सी कि तुसी सिंगर आ? नहीं सर, तुहानू गाने दा शौक आ? जी शौक है तुहानू गाने दा? जी सर। ते तुसी नू अपने तक रखो, हुण कदी जाएगा ना, उत्थे एक घंटा घर आ, ओनू जरा सलाम करके आई। नादरीन वक्त तू एक ब्रेक का, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। यार खान नू की है भरावा, वेलकम बैक नादरीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। क्या क्या भाई, भाई मैं ताबेदार, भाई मैं आपका मुंह भी साफ कर दूंगा इससे। वेलकम बैक नादरीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आइए देखते हैं प्रोग्राम का बाकी हिस्सा। हाँ हाँ हाँ, बाकी हिस्सा यार की कहते ने, बाकी हिस्सा, सॉरी भाई। भाई ये काम करते वक्त कभी आपको कोई पशेमानी तो नहीं हुई, कोई टेंशन तो नहीं हुई कि लोग इतने अमीर अमीर जा रहे हैं और मैं ये कर रहा हूँ?
होनी भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। बहुत बहुत सारे लोगों से अच्छा काम आप कर रहे हैं जी, है ना? हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, वेरी गुड। आ जाओ। ओ मरे, नाम क्या आपका? हैं? दानी। दानी? मेरा जानी। है? अच्छा आप एक बात बताओ जी, दो मियां बीवी हैं, कौन है? मियां बीवी हैं। दो मियां बीवी हैं, उनके चार बच्चे हैं, दो बच्चे खामद के कुछ नहीं लगते, दो बीवी के कुछ नहीं लगते, ये कैसे हो सकता है? तो जब चार बच्चे उनके हैं तो फिर उनके कैसे नहीं लगते? नहीं, उनमें से दो बच्चे खामद के कुछ भी नहीं लगते। कुछ भी नहीं लगते? नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है, दो की माँ से कोई रिश्तेदारी नहीं, कैसे? लड़ाई हुई होगी। रिश्तेदारी नहीं है उनकी, कोई है ही नहीं। तो फिर उन्होंने बाहर से अवॉइड, बाहर से भी नहीं लिए उन्होंने, बाहर से लिए होंगे तो फिर चार ही उनके किसी और के होंगे। तो फिर दो बच्चे भी उन्हीं के हैं, बच्चे भी उनके, बच्चे भी उन्हीं के हैं, और उनकी पहले शादी भी नहीं हुई हो, एक होता ना पहले शादी हुई हो तो फिर दोबारा शादी होती, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है। तो फिर ये होगा उनकी तरह नहीं होंगे, सेम टू सेम। कैसे कैसे उनके नहीं, वो बाप के क्यों नहीं कुछ लगते दो, और दो माँ के कुछ नहीं लगते, कैसे? शायद उनके मतलब उन्होंने दूसरी शादी की हो कहीं और से। नहीं, एक कोई शादी, एक कोई शादी, एक कोई शादी। अच्छा, तो फिर ऐसा होगा जो दो बाप के हैं वो माँ के होंगे पहले से। पहले से है ही नहीं, पहले से है शादी नहीं हुई, पहले से कितों आ गए उन्हें, कितों डाउनलोड की थे उन्हें, प्ले स्टोर को आज के जमाने में हो जाते हैं। सही बात है, सही बात है। सर आप बताएं, आपको समझ आई सवाल की? नहीं, मैंने नहीं सर। दो मियां बीवी हैं, दो लोग हैं जैसे मियां बीवी होते हैं, राइट? मियां बीवी हैं, उनके चार बच्चे हैं, उनमें से दो बच्चे बाप के कुछ भी नहीं लगते, कोई रिश्तेदारी नहीं है, दो माँ के कुछ नहीं लगते, शादी भी उनकी पहली पहली है, शादी भी पहली, शादी भी पहली पहली है, इससे पहले शादी भी नहीं हुई, ये कैसे मुमकिन है? वो मल्ले वालों के होंगे भाई, उन सर उनके बच्चे हैं अपने, कहना भी अपने ही है। नहीं नहीं, कहना नहीं है ही उनके, वो चारों बच्चे और मियां बीवी के हैं, मल्ले दे फाड़ के ले आए होंगे। सर तुसी मल्ले जो बाहर आओ ना जरा, अच्छा मल्ले जो बाहर वो छोड़ दियो, वो उधर जवाब नहीं का। तो बीवी दे कुछ नहीं लगते, दो दो खावन दे कुछ नहीं लगते, शादी पर शादी भी पहली पहली है। हाँ, है ना, टेंशन वाली गल है, बड़ी टेंशन वाली गल है, ए हो जाए चमत्कार हो जाए तो मैं भी तैयार है, हो जाए काम करने का ये जवाब है। हां, पर मैं देना नहीं क्योंकि सारे को पता लग जाए, और भी पूछना। हां, ये हुन हफ्ते वाले दिन रात को 11:00 प्रोग्राम लगना, ओदे एंड मैं जवाब देंगे। ओके, वो तुसी देखना लाज, वो तो मैं ध्यान ना सुनांगा जरूर, फिर ए हो जी वारदात मैं भी पावांगा। हां बिल्कुल। तेरे टोटल जिस्म में कितनी उंगलियां हैं? 10 ही ने, 20 उंगलियां ने जी, 16 उंगलियां ने, चार अंगूठे होंदे, वो भी अंगूठे ही ने, उंगलियां वो भी उंगलियां होंदियां, अंगूठे उंगलियां होंदियां, 16 आ की है, आ उंगली है, हैं अंगूठा हैगा। मून एवरेस्ट पहाड़ी दा नाम सुनया? आ थोड़ा परे कर, उते पैर आ जाना। केड़ी पहाड़ी? मून एवरेस्ट। तुसी सुने है? मैं तैनूं दस रहा हां, ते तुहाडे कोल, मैं ते दस रहा तैनूं, मैं भी तुहाडे कोल सुन लिया, फिर सुनया? आहो सुनया। की आओ माउंट एवरेस्ट सब तो चा पहाड़ है दुनिया दा, जदों दरियाफ्त नहीं सी होया हले, यानी हले पता नहीं सी लगा, उस तो पहले केड़ा उच्चा पहाड़ सी दुनिया दा सब तो? वो तो उन्हें पता ही नहीं दरियाफ्त की दा। तू नहीं कुछ कर, तेरा इच्च कोई अमल दखल नहीं, मेरा कोई, तेरा कोई हाथ नहीं इच्च, नहीं नहीं, यानी तू बरी जुमा मून एवरेस्ट तो है? केटू, केटू ना कोई है तलक? हाँ जी, केटू तो पाकिस्तान से। केटू तू का? केटू तो मेरा दादा पींदा पींदा मर गया। हाँ जी। आपका क्या नाम है? गुलाम अब्बास। गुलाम अब्बास जी, गुलाम अब्बास, गुलाम अब्बास जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। केड़ा जानवर ऐसा है तेरे तो अलावा? अच्छा, केड़ा जानवर ऐसा है जेड़ा एक साल च 2.5 लाख अंडे दिंदा? तुसी। अच्छा, तुहाडे नाल ने तदी, ओ कल्ले ही हस रहे ने तुहाडी गल। इधर आयो यार, इधर आयो। कुकड़ी देंदी है मच्छी? कुकड़ी 2.5 लाख, तू नाल कैलकुलेटर लैके फिरदा रहना ओदे मरे, ते 5 तो अग्गे 0 टा दो ते बकाया अंडे ही अंडे। 2.5 लाख अंडे दिंदे साल चो जानवर? अच्छा, नहीं नहीं जाय। चल हिंट दवा तेनु, कराची। हिंट आ, हिंट। मछलियां? नहीं, एक 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 जानवर का नाम था, मछलियां, मछलियां का की, मछलियां करोड़ों दिंदियां रोज समुद्र च, एक जानवर का नाम दस।
तेरा की नाम मजरू सैन जित गया ओके वाह ऐ नाम से क्या हाल है शुक्र है ठीक ठाक है पकड़ो इसको तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम जनाब मोहम्मद वलीद मोहम्मद वलीद जी जी शादी हुई है नहीं शादी अभी नहीं हुई बच्चे कितने हैं जब शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे बच्चे नहीं है नहीं बीवी किधर रहती है जब शादी नहीं हुई तो बीवी बच्चे कहाँ से होने हैं बीवी बच्चे नहीं है नहीं है सास का क्या नाम है तुम्हारी का जब शादी नहीं हुई तो सास कहाँ से आ गई सास भी नहीं है नहीं है साले कितने हैं साले तो बहुत सारे हैं जनाब कैसा नैश है तू यानी कोई नहीं है लेकिन मैं साले की गल की साले से बहुत तुरे फिरते थे अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है आपके बिल्कुल ठीक अच्छा मैं आपसे ना वो जो नहीं होती क्या कॉमन सेंस कहते से कौन से सवाल होते हैं जनरल नॉलेज वो सवाल करता हूँ नहीं आपकी तालीम कितनी है मैं पढ़ी नहीं हूँ पढ़ी तो है ना थोड़ा बहुत बिल्कुल ही नहीं पढ़ी कच्ची में भी कच्ची पक्की ट्यूजडे संडे मंडे तो नहीं आप नो क्यों कहा फिर आपको कैसे पता कि नो लफ्ज कहते हैं मैंने सुना हुआ है सुना हुआ है उर्दू आपकी इतनी अच्छी है मैंने सुना हुआ है आप ये बताएं दो और दो कितने होते हैं आई थिंक 10 10 गुड आप कह रही हैं पढ़ी लिखी नहीं है आपको पता है सारा पांच और पांच कितने होते हैं मुझे नहीं पता 13 है ना नहीं वाकई नहीं पढ़ी लिखी आप नहीं ना झूठ बोल रही हैं आप झूठ बोल रही हैं पढ़ी लिखी ना हो तो आप नारकली में फिर रही हो लंडे में आप इमाना मॉल में इतने अच्छे मॉल में अगर आई हैं इतनी अच्छी ड्रेसिंग करके और मोबाइल से मेरी पिक्चर बना रही इसका मतलब आप पढ़ी लिखी हैं ज़रूर पापा किधर है तुम्हारे पापा किधर गए वो तो चले गए हैं घर पापा किधर गए तुम्हारे चलो अब मैं तुम्हें ना फिर बाहर ले जाता हूँ ठीक है मेरे साथ जाना है आ जाओ फिर हम चलते हैं पापा को रहने देते हैं चलो आ जाओ बाय बाय कर दो पापा को चलो हाँ हाँ नजर आ गए पापा पापा नजर आ गए रोन लगी रोने लगी आ मेरी बच्ची ओए होए होए डर गई अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल चाल है ठीक ठाक जबरदस्त माश सर आप बट तो नहीं है नहीं खान हूँ खान है देखा ना वो माशाल्लाह लग रहा था या बट है या खान है ये क्या है ये बेटी यार मैं कह ये क्या कहते ये बेटी है और नहीं बेटी तो है लेकिन ये ऐसे करके बैठी हुई पता नहीं ये जब घबराती लेकिन इसका नहीं लेकिन ये है कि इसका सबर बड़ा है कोई और बच्चा होता ना उसने फौरन शुरू हो जाना लेकिन वो पूरा देख रही है अभी हिसाब लगा रही शुरू हो जाए फिर बाकी बच्चे चुप हो जाते हैं ये चुप नहीं होती फिर आप बाइक पे आए हैं नहीं मैं तो फिर हेलमेट क्यों पहना हुआ आपने ये मुझे नवाज शरीफ का हेलमेट पसंद आ गया तो मैंने कहा कॉपी की है नाज़रीन आज मैं आपसे वो बात करने लगा हूँ जो मेरे दिल की बात है एक साल हो गया प्रोग्राम चल दें मैं सोच रहा जी किस शो च करा लेकिन अज मैं मौका मिल गया तो मैं तुम्हें यह कहना कि नादरे एक ब्रेक का टाइम होया वा ब्रेक तो बाद दोबारा आप आने नादरेन वेलकम बैक ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद बस बंद कर दे अगो ब्रेक तो चल जाओ होर किसी पास वो बस कर ओ यार केड़े कैमरामैन ने यार
ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਕੌਣ ਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਐਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਉਸਕੇ ਆਗੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ। ਉਸਕੇ ਮੂੰਹ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਲਗਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ। ਮੱਛਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦੋ ਭਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਸਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਾਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ, ਕਛਕੁਮਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ਼ਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਵੋ ਪਾਣੀ ਮੇ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੇ ਵੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਮਗਰਮੱਛ? ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਮੱਛ, ਟੂ ਮੱਛ, ਟੂ ਮੱਛ। ਮੱਛਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਦੋ ਚੀਜ਼ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ, ਮੱਛਲੀ ਮੱਛਲੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਮੇ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੋ ਖੁਸ਼ਕੀ ਮੇ ਵੀ ਰਹਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਤਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਂਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਨਾ 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 ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟ ਭਾਈ, ਵੋ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡ ਪੇਂਟਸ, ਡਾਇਮੰਡ ਪੇਂਟ ਉਨਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਗਿਫਟ ਹੈ ਆਪਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ? ਉਸਕੇ ਆਗੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ। ਉਸਕੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ, ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ। ਮਗਰਮੱਛ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹਾਰ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਸ਼ਾਰਕ? ਨਾ ਭਾਈ, ਹਾਰ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਹੋਤਾ, ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਤਾ। ਹਾਰ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਕੌਣ? ਮੈਂਡਕ? ਮੈਂਡਕ, ਮੈਂਡਕ। ਓਏ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੇ ਦਿਆ ਆਨਸਰ। ਅਜੇ 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 ਬਤਾਏ। ਮਰਾ ਵੋ ਜਾਨਵਰ? ਯੈਸ ਯੈਸ ਭਾਈ, ਯੈਸ। ਉੱਠ ਜਾਏ, ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਮਰਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਸ਼ੋਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਆਪਕਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਭਾਈ ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਪੇਂਟ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਲੌਕ ਹੈ। ਓ ਨਾਈਸ। ਹਾਂ ਕਲੌਕ, ਇਹ ਆਪਕੋ ਮੈਨੇ ਕਲੌਕ ਦੇ ਦੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਕਿਸਨੇ, ਜਵਾਬ ਕਿਸਨੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ? ਤੁਮਨੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਭਾਈ, ਆਦਾ ਉਸਕੋ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਬਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਐਰ ਜਾ, ਦਾਸ ਹੈ। ਦਾਸ? ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸ, ਹਾਂ। ਉਸਕਾ ਰੰਗ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਗਾਸ ਹਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਾਹ ਲਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਰ? ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਲ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੇਟੂ। ਕੇਟੂ, ਗੁੱਡ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਨ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ? ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ, ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਟੂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਕੋ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਅੱਛਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੋਕਟ ਫਿਰ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਹੈਲੋ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਲਾਕ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਦੋ ਹੈਲੋ, ਤਿੰਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਿੰਨ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ? ਚੱਲ ਤਿੰਨ ਅੱਗੇ, ਹੈਲੋ ਕਹਿ, ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਖਿੱਚੋ ਉਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ? ਗਿਫਟ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਖਿੱਚੋ ਉਨੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਿਫਟ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਆਇਆ ਤੇ ਗੱਲ, ਚੱਲ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੈ ਦੇ ਗਿਫਟ ਦੇ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਫੜਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਿਗਰਟ, ਜਿੰਨੀ ਖਿੱਚੀਏ ਉਨੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਐਂਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਦੇਖੂ ਬੱਚਾ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਐਂਕਰ ਹੈ ਟੀ ਵੀ ਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਚੱਲ।
क्या बात है? जानी है कोई भी बात कर चल अस्सलाम वालेकुम चल है चल चल हाँ देखा ये वालेकुम सलाम जी 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 भाई आप आए हो सवाल करने मुझे क्या चाहिए हाँ आपसे पूछना आपका नाम मेरा नाम सज्जाद जानी नहीं नहीं झूठ बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ जी क्या है मेरा नाम फिर सच क्या है आपका नाम जानी भैया है हाँ वही है आप किधर आए हैं मैं आपके पास क्या करने सवाल करने करो करूँ करो करूँ करो इसमें बोले तो आवाज कहाँ जाती है इसमें बोले तो आवाज कैमरे में रिकॉर्ड होती होगी मेरा ख्याल है स्पीकर नहीं है नहीं क्यों सवाल करो ना कोई सवाल करूँ हाँ चल आप इंसान हो इंसान होता तो यहाँ पे होता बाहर ना होता किसी मुल्क आप इंसान हो मुझे तो लग रहा अच्छा फिर कुछ सवाल कर यार की करने तो सवाल कर दुनिया का को पूछ मेनू यादगार कितना ऊंचा है दुनिया का फलाना मुल्क कहाँ पे है दुनिया का फलाना मुल्क इस तरह सवाल कर चल ये बटन सबसे पहले किसने याद किया ये जी ये सबसे पहले याद हुआ था मटन जी मटन पता किसे कहते हैं ये याद कहाँ पे हुआ था ये बटन जी ये सबसे पहले याद हुआ था नारकली में किसने बनाया ये जिसने बुरखा बनाया था ना उसने याद किया ये कौन सा मुल्क ने बनाया ये चाइना ने गुड है ना हाँ जी यस दुनिया की कोई भी इधर की चीज है ना वो बिना चिझक कह दो चाइना सही होगा जवाब अच्छा चल लेकिन आपको किसने बनाया ऐसा कौन सा शहर है जो उसका नाम है ना उसी नाम की एक सब्जी भी है शिमला पहाड़ी शिमला पहाड़ी कौन सी सब्जी होती है जगह तो है नहीं पहाड़ी केड़ी काट के तू हांडी च पौना शिमला मिर्च होती है पहाड़ी केड़ी क्या तू तू शिमला पहाड़ी की पहाड़ी पहाड़ी कभी खाती तू पकाई तो फिर पहाड़ी को क्या कला शिमला कला शिमला हाँ शिमला मिर्च जो होती शिमला शिमला होती ना शिमला जगह का भी नाम है शिमला सब्जी भी है अच्छा ठीक हो गया बहुत शुक्रिया आपका नाम क्या है मेरा नाम अब्दुल राफे अब्दुल राफे राफे वाह माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है भाई आप किधर रहते हो मैं ये फाइन पिज़्ज़ा वाली गली में गली में ये अच्छा तुम्हारे घर में क्लॉक है लगा हुआ ये है सर हर कमरे में लगा है ड्राइंग रूम में लगा ये ड्राइंग रूम में लगाना है मेरे बच्चे ने जाके डायमंड पेंट्स वालों का है ड्राइंग रूम में लगाना है और जब भी इसे देखना है मुझे याद करना है कि मेरा जानी भाई से मुझे दिया था ये क्या स्टाइल है जिंदगी में क्या बनना है मुझे ये बता क्या ख्वाब है माँ बाप का फरमा बरदार इसके अलावा लाइफ गुजारने के लिए क्या बनना है क्या सोचा है क्या प्लान है स्टडी कर रहा हूँ फिलहाल सेकंड ईयर में फर्स्ट टाइम जॉब सेकंड टाइम स्टडी इरादा क्या है आगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे जिस फील्ड कामयाब किसे करे ये जुआ खेलने वाले भी कहते हैं कि यार अल्लाह की जिता दी मेनू अजी जुवारी चुनी ना मैं कह तू कोई दस ना वेद दस दिमाग च की है क्या क्या रूट सोचा हुआ है लाइफ में किस तरफ जाना है क्या बनना है बैचलर करके आगे शायद LLB वकील जी इंशाल्लाह माशाल्लाह इंटरनेट यूज करते हो नहीं दुनिया का सब तो बड़ा चूत और नहीं ना मैं गूगल वगैरह यूज नहीं करता हूं जो फेसबुक वगैरह हां जी तो व्हाट्सएप इंटरनेट ना चलता व्हाट्सएप कर हां जी वो साहब गैस पे नहीं तेरा फोन गैस पे है इंटरनेट नहीं चलता मैं कह इंटरनेट चलता कहना नहीं भाई बात सुन जी सर दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट किस मुल्क में यूज होता है हर मुल्क से हो रहा है सवाल जरा थोड़ा गौर कर ओके सर दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट किस मुल्क में यूज होता है चाइना में कहां में चाइना में नहीं भाई इधर आ जाए यूएसए में गुड ये गलत जवाब है सच्ची बात है भाई सबसे ज्यादा चाइना में होता है आपका नाम क्या है पूरा नुमान बशीर नुमान बशीर भाई ये आपका कैमरा है आपने इंग्लिश में ब्रेक लेनी है आपने इंग्लिश टोटल इंग्लिश में ये कहना है कि नाज़रीन वक्त हुआ है एक ब्रेक का मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद ये आपने इंग्लिश में कहना है इधर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऊंची आवाज में जी नाज़रीन वक्त हुआ है भाई इंग्लिश में भाई इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि ये आपने इंग्लिश में कहना है जी सो नाउ टाइम हैज बीन ब्रेक मैनू नहीं कहना उन्होंने कहना पड़ा
जो भाई जानी भाई ने कहा सेम भाई इंग्लिश में सेम टू सेम जानी भाई ओके वेलकम बैक नाजरीन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰ ਫਾਈਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਭਾਈ ਆਪ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀ ਯੂ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁੱਡ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਦਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਨਾਦਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਡੇ ਡੱਬਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ 3 1 2 ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਨਾਦਰੀਨ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਾਨਾਂ ਪਛਾਣਾਂ ਮੈਂ ਖੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਕੇਕ ਸ਼ੇਕ ਕਾਫੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨੁਜ਼ਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਕ ਅਗਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੇਕ ਕੂਕ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਬਾਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾ ਰਾਤੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਕੇਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੇਕ ਕੋਈ ਚੋਰ ਅੰਤਰਾ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੇਕ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਗਾਉਣੀ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੇਕ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਖਾਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਆਓ ਜੀ ਮੈਡਮ 3 2 1 ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਘਾਟ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਮਾਸੂਮ ਪਰਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਤਬੀਅਤ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਰਿੰਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਲਵ ਬਰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਔਰ ਬਾਹਰੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮਰਦ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਦ ਕਰੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਗੇਟ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸੂਮ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨੇ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ 26-27 ਜੋੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਰਿੰਦੇ ਪਾਲੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਸ ਇਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਨਾਲੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਅੱਗੇ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਕਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਾ ਹਰ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣਾ 2 ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਚਲੋ ਜੀ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੂੰਹ ਵੀ ਧੋਇਆ ਕਰੋ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੋ ਅੱਥਲਾ ਤਲਾ ਨਾਦਰੀਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਦਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅਲਹਮਲਾ ਆਦ ਤੌਂਥਲ ਦੇ ਰਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਰੇ ਬਰੇ ਥਿੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਥਿੰਦਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ 30 ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਤਨ ਥਦ ਤਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੀ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਖਬਾਰ ਜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਭੁੱਲੇ ਨੇ 220 ਸਿੰਗਰ ਆਏ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਨਾਬ 322 ਸਿੰਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 450 ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 32 ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ